हेलो स्टूडेंट्स, 4 मार्च को आपका इंग्लिश का पेपर है, ठीक है। 4 मार्च को पेपर है, तो आप सभी इंग्लिश में काफी सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया इंग्लिश में हम क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे, जो आता है ना क्वेश्चन आंसर करने के लिए, चाहे फिर वह लॉन्ग क्वेश्चन आए चाहे शॉर्ट क्वेश्चन। तो वही मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन आंसर किस तरीके से, किस प्रकार से क्वेश्चन आंसर करना है अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में। आपके सामने पूरी यहाँ पर कॉपी मैं ला चुका हूँ, और उसके बाद ये देखो पेपर भी है, ठीक है, सामने पेपर भी है। इसमें जो कुछ क्वेश्चन लिखा गया है, ये देखो यहाँ पर दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन है, ठीक, ऐसे रहेगा क्वेश्चन। तो मैं ये बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे लिखना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिले जब आप पेपर दोगे कॉपी में, जब एग्जामिनर चेक करेगा, जिससे कि आपको पूरे नंबर दे। तो चलो यही चीजें मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, जो मैं बता रहा हूँ अच्छे से आप लोग समझ जाओगे, कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर वीडियो को एंड तक देखोगे तो। और बाकी चैनल पर बहुत सारे टिप्स ट्रिक्स, ये सब चीज़ें भी मैं काफ़ी चीज़ें आपको पहले भी दे चुका हूँ और अभी भी रेगुलर मैं दे रहा हूँ, तो आप सभी उसको देख सकते हो। बाकी चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक स्केल से लाइन खींचनी होती है, जो कि मैं अपने वीडियो में हर बार बोलता हूँ, और ये मैं खींच के दिखाता भी हूँ कि किस तरीके से आपको लाइन, और एक ही तरफ देखो कॉपी के एक ही तरफ में ऐसे लाइन खींचनी है, ऐसे किया हमने, और ये देखो यहाँ पर लाइन ने खींच दिया, एक लाइन ऐसे खींच दिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आना है, इसी के जस्ट साइड में एक ऐसी लाइन खींच दें, ठीक है स्टूडेंट्स, इतना कर देना है। चलो इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद हम जो क्वेश्चन आंसर पे खोल लेते हैं कि कहाँ पर है क्वेश्चन आंसर। ये देखो यहाँ पर है, जो कि लिटरेचर का है, लिटरेचर का है, तो सबसे पहले ऊपर चाहो तो डाल सकते हो लिटरेचर। चलो यहाँ पर ऐसे एक पार्ट डाल लो, लिटरेचर लिख दो एक काली पेन से, लिटरेचर, ठीक, लिटरेचर लिख दिए। अब इतना लिखने के बाद इसको क्या करो, नीचे इसके अंडरलाइन कर दो, स्केल रहेगी ना आप लोगों के पास, स्केल रहेगी तो स्केल भैया अंडरलाइन हो ही जाएगा, बहुत आराम से हो जाएगा। चलो स्केल से हम क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं, हमने अंडरलाइन भी कर दिया स्केल से। अब देखो इतना करने के बाद आपको क्या चीज़ करना है, अब इतना करने के बाद देखो इतना चीज़ आपने कर लिया है, अब इसके बाद क्या करोगे, इसमें अंडरलाइन भी कर लिया और भी चीज़ें जो भी करनी थी हमने यहाँ पर कर ली है। अब देखो इतना करने के बाद फिर आपको आना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन नंबर है। अब इसमें आपको दिख रहा है कि ये पांचवा नंबर है, पांचवा आंसर नंबर 5, तो डालोगे आंसर नंबर 5, पांचवे का ए वाला करेंगे हम, ठीक, पांचवे का ए वाला, तो इसको ऐसे डालना है आंसर नंबर 5 का ए, ऐसे यहां पर लिखो आंसर नंबर 5 का ए, ठीक, इस तरीके से आंसर नंबर 5 का ए। और इतना करने के बाद इसके नीचे भी अंडरलाइन कर दिया जाएगा, इतना ध्यान रखना, इसके नीचे भी एक अंडरलाइन करेंगे, ठीक है दोस्तों, इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद देखो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हाउ डिड लेंचो फील व्हेन इट बिगेन टू रेन, जब बर्फबारी होनी शुरू हुई, मतलब जो हेल स्टॉर्म पड़ रहा था, हेल स्टॉर्म मतलब क्या होता है कि जो बर्फबारी वहां पर हो रही थी या फिर जो बारिश हो रही थी, जब वो होना शुरू हुई तो लेंचो को कैसा फील हुआ, लेंचो ने कैसा फील किया, ये हमें बताना है यहाँ पर। तो चलो इसको बताते हैं कि आखिर कैसा फील हुआ लेंचो की, या फिर क्या चीजें हुई, तो यही चीज हमको यहाँ पर लिखना है। अब देखना काली पेन से हम नहीं लिखेंगे, अब क्या करोगे, नीली पेन उठाओ और नीली पेन से लिखना है, नीली पेन हमने लिया और नीली पेन से लिखो लेंचो फेल्ट, यहां से लेंचो कैसा फील हुआ, तो ऐसे लिखेंगे लेंचो फेल्ट, ठीक, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, कंप्लीटली ब्रोकन, लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, फिर लगा देना यहां पर एक फुल स्टॉप, ठीक, इतना लिख दिए। अब इसके बाद मतलब लेंचो फेल्ट कंप्लीटली ब्रोकन, इसका मतलब हुआ कि लेंचो पूरी तरह से टूट गया था। फिर लिखो द हेल हैड, द हेल, हेल मतलब होता है कि बर्फ, द हेल हैड, जो बर्फबारी हुई थी, हैड लेफ्ट नथिंग, लेफ्ट अच्छा नथिंग है तो यम हम यहाँ पर लिखा गया, कोई बात नहीं, ऐसे लिख दो नथिंग, बर्फबारी ने कुछ भी नहीं छोड़ा था, नथिंग। फिर उसके बाद लिखो ही वॉज वरीड अबाउट, ही वॉज वरीड अबाउट, ही वॉज वरीड अबाउट द लैक ऑफ फूड, अबाउट द लैक ऑफ फूड, लैक ऑफ फूड फॉर द
फिर ऐसे लिखना है फॉर द, फॉर द कमिंग ईयर, ऐसे लिख दो कमिंग ईयर, इस तरीके से करना है। देखो जैसे फिफ्थ का हम ए वाला आंसर कर रहे थे ऐसे करना है। अब मान लो इसके बाद कोई नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये सेकंड क्वेश्चन, तो देखो ये बी वाला हम करने जा रहे हैं आंसर बी वाले, और बी का ये वाला करते हैं डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन। तो इसके लिए लिखना पड़ेगा आंसर नंबर फिफ्थ का बी, जैसे हमने फिफ्थ का ए लिखा है तो यहाँ पर देखो फिफ्थ का बी। वीडियो को अच्छे से देखते चलना, जो चीजें हैं जैसे हैं मैं हर चीज आपको बता दे रहा हूं, ताकि कहीं भी आपको कोई परेशानी ना आए। यहां पर लिखना काली पेन से आंसर नंबर फिफ्थ का बी, ठीक, आंसर नंबर फिफ्थ का बी। और इतना लिखने के बाद फिर ये स्केल लेना, स्केल से नीचे एक ऐसे अंडरलाइन कर देना, ठीक, इतना कर दिए। अब इतना करने के बाद चलो इधर आते हैं। अब यहां से कैसे करना है, इसमें लिखा है जो कि आपसे कहा गया है डिस्क्राइब अबाउट, यहां पर फिर से आपको मैं दिखा देता हूं एक सेकंड, ये देखो है जो कि लिखा गया है डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन, ठीक है, डिस्क्राइब अबाउट एनी अर्ली एजुकेशन, तो इसको हमको करना है। चलो इसको करते हैं, किस तरीके से करोगे। अब इसका भी आंसर ऐसे नीली पेन लेना, नीली पेन से देखो लिखना है एनी फ्रैंक वॉज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे लिखो एनी फ्रैंक, एनी फ्रैंक वॉज ए वेरी ब्राइट एंड इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ठीक। उसका फिर लिखो हर, अब अच्छा देखो इसका हिंदी मैं बताते चलता हूं, जैसे एनी फ्रैंक वॉज ए वेरी ब्राइट, वो बहुत ज्यादा समझदार और इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी, ठीक। उसके बाद फिर हर अर्लीस्ट एजुकेशन, क्योंकि उसी बारे में पूछा गया है, तो लिखो हर अर्लीस्ट एजुकेशन। देखो इसी तरीके से आपको लिखना है, जैसे आंसर नंबर ऊपर डालो काली पेन से, फिर नीली पेन से, फिर काली, फिर नीली। थोड़ा क्या है ना कि एग्जामिनर को देखने में कॉपी आपकी बढ़िया लगती है, और अगर उसको देखने में बढ़िया लग गई तो आपको नंबर भी बहुत मस्त मस्त मिलेंगे। फिर लिखो हर अर्लीस्ट एजुकेशन वॉज इन, वॉज इन मतलब उसकी जो शुरुआती शिक्षा थी वो कहां पर हुई थी, मॉन्टेंसी ल्यूशियम, ठीक है, मॉन्टेसोई ल्यूशियम इन एम्स्टर्डम। अच्छा यहाँ पे देखो एम्स्टर्डम में मैंने यहाँ पर टी ई आर नहीं लिखा, अब क्या इसको मैं काट के पूरा फिर यहाँ से आर लिखूंगा, नहीं, जितना है ऐसे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप काटोगे तब दिक्कत हो जाएगी, इतना लिखो। फिर लिखो आफ्टर दैट, आफ्टर दैट, आफ्टर दैट मतलब उसके बाद, सी वॉज इनरोल्ड, सी वॉज enrolled, after that she was enrolled in a school, in a school in Netherland, in Netherland, ठीक, but फिर से लिखो but soon मतलब but लेकिन जल्द ही, but soon when Hitler, When Hitler, लेकिन जल्द ही, but soon, when Hitler, जब हिटलर ने restricted Jews from all activities, all activities, एनी फ्रैंक हैड टू गो, फिर लिखो एनी फ्रैंक। अच्छा मैंने यहां पर एक चीज गलत किया कि जैसे एनी जो नाम है उसका स्टार्टिंग का लेटर कैपिटल से रहता है, तो यहां पर आपको कैपिटल लेटर्स लिखना है, ठीक है, एनी फ्रैंक हैड टू गो टू ए
जेविस लिसियम, ठीक ऐसे कर देना है। तो ये देखो ये भी हो गया। तो इस तरीके से आपको लिखना है, जैसे क्वेश्चन नंबर डालो काली पेन से फिर नीली पेन से, ऐसे काली नीली, इस प्रकार से आपको अपनी कॉपी को लिखना है। और अगर ऐसे लिखोगे बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, कहीं भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो ऐसे ही करना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। और भी चीज़ें लिखने की ट्रिक, याद करने की ट्रिक, और कैसे आपको ज़्यादा नंबर मिलेंगे, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता तो क्या करना है, तो ये सारी जितनी भी ट्रिक होती हैं ये सब मैं पहले से ही इसी चैनल मोबाइल पर स्कूल पर दिया हुआ हूँ, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना।